महिलाओं के सुरक्षित प्रसव के लिए सरकार प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र पर लाखों रुपए का बजट खर्च कर रही है, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र पर डीजल बचाने के लिए प्रबंधन प्रसूताओं की जान से खिलवाड़ करने से नहीं चूक रहा है। मामला शिवपुरी के खनिया धाना स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में डिलीवरी कराने का मामला सामने आया, जहां महिला के परिजनों ने आरोप लगाया कि डॉक्टर ने नर्स के हाथ में मोबाइल पकड़ाकर डिलीवरी कराई। स्वास्थ्य केंद्र में लाइट नहीं थी, जनरेटर था, लेकिन उसका उपयोग नहीं किया गया। तो आप ये देखिए कि जरा सी चूक और इसमें जच्चा बच्चा की जान पर भी बनाती। यहां पर लाइट नहीं थी लेकिन जनरेटर था, उसके बावजूद उसका इस्तेमाल नहीं किया गया और मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में एक महिला की डिलीवरी कराई गई है। परिजनों ने इसको लेकर शिकायत भी दर्ज करवाई है। शिवपुरी का ये पूरा मामला है। आप देखिए कि सुरक्षित सफल प्रसव हो और इसके चलते तमाम व्यवस्थाएं किए जाने का दावा करने वाले जो जिला अस्पताल हैं वहां से चौंकाने वाली खबरें सामने आती हैं। और एक ये नया मामला है जहां पर टॉर्च की रोशनी में ही महिला की डिलीवरी करवाई गई। डेढ़ घंटे तक तो ऐसे ही लेटे रहे, डेढ़ घंटे बाद डिलीवरी हुई तो वो भी मोबाइल की टॉर्च जला के डिलीवरी हुई। क्यों, जिस समय डिलीवरी हुई उस समय लाइट नहीं थी? नहीं, लाइट करीबन दो घंटे ढाई घंटे थी नहीं। फिर आपने बोला नहीं अस्पताल प्रबंधक से? नहीं, हमने किसी को नहीं बोला, ना हमें पता था। रात में जो लाइट चली गई थी, रात में ही वो चेंज ओवर खराब हुआ है उसका, तो जनरेटर से जो लाइट जाती है सप्लाई होती है, तो लाइट क्या है कि अंदर हॉस्पिटल में सप्लाई नहीं हो पाई, तो अभी उस चेंज ओवर को मैंने सही करा दिया है और जनरेटर सही है। कोई आए दिन पशुओं के साथ क्रूरता की घटनाएं सामने आती रहती हैं। बेजुबानों के साथ इंसान हैवानियत की हदें पार कर रहे हैं और ऐसे ही एक मामला इंदौर से आया है जहां कुछ बेरहम लोगों ने एक स्ट्रीट डॉग की पूंछ में आग लगा दी। बेजुबान डॉग तड़पता रहा, छटपटाता रहा, लेकिन उसे देखने वाला कोई नहीं, बचाने वाला कोई नहीं। और अब इस घटना की तस्वीर पास में लगे सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई है। यह खबर इतनी विचलित करती है कि कुत्ता भी कह रहा है क्रूरता की हद हो गई, मैं बेजुबान हूँ, निर्जीव नहीं। फिलहाल पीपल्स फॉर एनिमल्स की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। तो विचलित करने वाली तस्वीर है और आप ये देखिए जो आपको रोशनी दिखाई दे रही, दरअसल ये स्ट्रीट डॉग की पूंछ में आग लगा दी गई है। वो भागा, तड़पता रहा, छटपटाता रहा, लेकिन उसकी आग बुझाने वाला वहां पर कोई नहीं था। और आप देख पाएंगे कि सुनसान सड़क है जहां पर एक व्यक्ति, हालांकि इसमें तीन लोग शामिल थे, एक कुत्ते को अपने साथ लेकर जाते हैं और उसकी पूंछ में आग लगा देते हैं। इस तरीके का ये मजाक है, शैतानी है, क्या है, लेकिन पीपल फॉर एनिमल्स ने इसकी शिकायत दर्ज करवाई है कि किसी भी तरीके से जीव के साथ कोई भी खिलवाड़ करना गैर कानूनी है, लेकिन इस तरीके की घटनाएं लगातार देखी जा रही हैं और अब इनके खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है। मामला दर्ज कर लिया गया आरोपियों के खिलाफ। बेरहमी की हद देखिए, जब एक बेजुबान की पूंछ में आग लगाकर उसे छोड़ दिया गया। जांजगीर चांपा के नाला नगर पालिका की लापरवाही की वजह से भीषण गर्मी में लोगों को पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। नहर से पानी की सप्लाई बंद हो गई है और समय पर तालाब नहीं भरने की वजह से शहर में पानी की किल्लत हो गई है। शहर में लगे दो वाटर एटीएम बंद पड़े हैं। इस मुद्दे पर जब न्यूज 18 ने नगर पालिका सीएमओ प्रहलाद पांडे से बात की तो उन्होंने दावा किया कि शहर में पानी की समस्या नहीं है, एक वाटर एटीएम काम कर रहा है जबकि दूसरे में कुछ मेंटेनेंस की जरूरत है। साथ ही उन्होंने तालाब में भरपूर पानी होने का भी दावा किया। नगर पालिका अंतर्गत दो वाटर एटीएम है जिसमें एक स्टार्ट है, चल रहा है बस स्टैंड में, और जो कचहरी चौक पे है उसको उसका चेक करवाना पड़ेगा कि क्यों बंद है। अभी हफ्ते भर पहले तक वो स्टार्ट था। सर, पानी के गंभीर समस्या है तो इस मुद्दा को किस तरह से निपटाएंगे? अभी नगर पालिका अंतर्गत तो कोई समस्या नहीं है। जांजगीर नाला नगर पालिका में वाटर एटीएम कचहरी चौक के पास लगा है जो पूरी तरह से कबाड़ में तब्दील हो गया है। यहाँ पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, लोग भरने आए हैं पानी। यहाँ के रागीर आसपास के लोग, चूंकि मुख्य चौक है, यहाँ पे भीड़ का जमावड़ा रहता है लोगों की, वो वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो यहाँ पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। गर्मी के दिन बढ़ती जा रही है और यहाँ पे हम जी बताएंगे, यहाँ पानी लेने आए हुए हैं तो क्या समस्या हो रही है और पानी क्यों नहीं मिल रही है आपको? पानी नहीं निकल रहा है, इसमें
अब समस्या है तभी तो नहीं निकल रहा है पानी का, और ना यहाँ पानी माने हैंडपम्प है ना और कुछ व्यवस्था है, बोर है, ये बड़ा समस्या है। तो पानी पीने के लिए आप बूंद बूंद के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, मतलब बूंद बूंद नसीब नहीं हो रहा है यहाँ? हाँ हाँ, माने कोई नसीब नहीं हो रहा है, अब ले दे करके पानी अब दुकान से खरीदना पड़ेगा और पीना पड़ेगा। क्या चाहते हैं आप इस वाटर एटीएम को चालू करने के लिए? अब चालू होता तो ठीक था, बाकी अब जरूरी है अभी पानी पीने के लिए। जी बताएंगे यहाँ किस तरह की समस्या हो रही है? बहुत समस्या है पर पानी के लिए, मशीन में पानी नहीं कर रहा है, मशीन लग रहा खराब हो गया है, इसको सुधरवाया जाए और पानी हम लोगों को मिल सके आने जाने वाले लोगों को यहाँ पर कचहरी चौक में। यहाँ पर ना एक भी हैंडपम्प है ना बोर है यहाँ पर पानी पीने के लिए। जिस तरह नगर पालिका नैला जहांगीर द्वारा ढिंढोरा पीटता है कि यहाँ लोगों के लिए पानी की किल्लत नहीं, हम घर घर पहुँचा रहे हैं, बोर है, लेकिन मुख्य चौक पर राहगीरों को भारी पानी का समस्या हो रहा है, इससे निजात किस तरह के दिलाएंगे नगर पालिका, ये सोचने वाली बात है। कैलाश कश्यप, न्यूज 18 जहांगीर चांपा। बघेल ने चुनौती देते हुए कहा, इस राज्य में सरगुजा और दक्षिणी रायपुर में रोहिंग्या मुसलमान आ गए हैं, अब उनकी सरकार को 6 महीने हो गए, क्या इन्होंने एक भी रोहिंग्या मुसलमान को ढूंढा है? राज्य के गृह मंत्री को सोच विचार कर बोलना चाहिए। जनता पार्टी के लोग रोहिंग्या मुसलमान के बारे में बड़ी चर्चा करते थे, सरगुजा में आ गया है, रायपुर दक्षिण में आ गया है, 6 महीने हो गए सरकार, एक भी बता दे, इनको चुनौती दे रहा हूँ। केवल वोट की राजनीति के लिए समाज में घृणा फैलाने का काम इनका रहा है, और उसे बाज आए सत्ता में है। शर्मा जी, अभी इस प्रकार के बयानबाजी से बचना चाहिए। दुर्ग में जान के लिए आफत बने होर्डिंग्स, होर्डिंग्स का फ्लैक्स बाइक चालक पर गिरा, जहां बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है, बाल बाल बची जान, और राजेंद्र पार्क चौक के पास की पूरी घटना है। शहर में तेज आंधी तूफान ने जमकर तबाही मचाई है, न्यूज 18 ने जर्जर और नियम विरुद्ध लगे होर्डिंग्स प्रमुखता से दिखाई थी इस खबर को, प्रशासन की उदासीनता से ये घटना हुई है। और आप ये देखिए किस तरीके से होर्डिंग्स उड़कर जा रहे हैं, गिर रहे हैं, और जो राहगीर निकल रहे हैं अपने वाहन से उनकी जान पर भी खतरा बना हुआ है। तो एक बार फिर से आप तस्वीर देखिए पूरा घटनाक्रम, दरअसल बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए हुए हैं, तेज आंधी तूफान की वजह से ये सभी होर्डिंग्स जो पोस्टर हैं वो फटकर गिर रहे हैं, और सड़क पर जो लोग जा रहे हैं वो भी इसकी चपेट में आ जाते हैं, कई बार तो लोगों को गंभीर चोट आ जाती है। लेकिन इस बार आप देखिए, हालांकि युवक की जान बच गई, लेकिन वो इसकी पूरे पोस्टर में वो लिपट गया था, उसकी जान भी जा सकती थी, बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि चालक को चोट जरूर आई है, लेकिन उसकी जान बाल बाल बची है। तो लोगों की जान के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि न्यूज 18 ने इस खबर को दिखाया था और इस पर सवाल जवाब भी किया गया था, लेकिन बावजूद इसके अभी तक इनको नहीं हटाया गया है, और उसका अंजाम यह है कि जो आम जन है कई बार वो इस होर्डिंग्स के शिकार हो जाते हैं, या तो होर्डिंग इनके ऊपर गिर जाता है या पोस्टर फटकर इनके ऊपर गिर जाते हैं और एक बड़े हादसे का शिकार हो जाते हैं। कोरबा में हाथियों की दहशत देखी जा रही है, जहां सड़क पार करते नजर आया हाथियों का दल, हाथियों की सूचना वन विभाग को दी गई है, टीम ने अलर्ट जारी कर दिया है, हाथियों की हो रही है निगरानी, हाथियों से दूर रहने की कवायद मुदारी करवाई जा रही है। बड़ी खबर कोरबा से है, जहां पर हाथियों की दहशत का मामला, सड़क पार करते नजर आया हाथियों का दल, हाथियों की सूचना पर वन विभाग की टीम अलर्ट है, हाथियों की निगरानी हो रही है, हाथियों से दूर रहने की कार्रवाई मुनादी करवाई जा रही है। तो पूरा मामला कोरबा का आपको बता रहे हैं, जहां पर हाथियों का दल नजर आया है, और इसमें कुछ नन्हे जो हाथी हैं के बच्चे हैं वो भी नजर आए हैं सड़क पार करते हुए, और हालांकि ये जो सुंदर नजारा है ये कई बार देखने को मिला है, लेकिन जिस तरीके से हाथी लगातार इलाके में दहशत बनाए हुए, उससे लोगों में डर का माहौल भी बना हुआ है, और कई बार अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए भी वे काफी मुस्तैद रहते हैं, और अगर उनके नजदीक कोई भी आता जाता दिखता है तो हो सकता है कि उन पर भी वे हमला भी कर दें। तो इस तरीके से जो दुर्घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाओं का जो आंकड़ा है वो लगातार हम देख पा रहे हैं बढ़ता ही जा रहा है। वन विभाग ने अलर्ट जारी किया है, हाथियों से दूर रहने के लिए अपील की गई है।
नर्मदा की स्वच्छता और संरक्षण का संकल्प लेने वाले समर्थ भैया जी सरकार मेडिकल साइंस के लिए चुनौती बने हुए हैं। करीब 1300 दिनों से अन्न त्याग कर महज नर्मदा नदी का पानी पीकर स्वास्थ्य और तंदुरुस्त रहने वाले समर्थ भैया जी सरकार आज से नर्मदा परिक्रमा करने जा रहे हैं। नर्मदा परिक्रमा से पहले मेडिकल अस्पताल में उनकी शुरुआती जाँच की गई और अब नर्मदा परिक्रमा के दौरान डॉक्टर्स की एक टीम और एम्बुलेंस उनके साथ हर पल मौजूद रहेगी और हर घंटे एक सप्ताह तक उनकी जाँच और जरूरी टेस्ट होंगे। एक सप्ताह तक उनकी जांच कर मेडिकल साइंस अब पता लगाने की कोशिश में है कि आखिर कैसे कोई इंसान बिना भोजन ग्रहण किए मात्र नर्मदा के जल पर इतने दिनों तक जीवित रह सकता है। तो एग्जामिनेशन में तो नॉर्मल है, बीपी नॉर्मल है, एग्जामिनेशन सारा नॉर्मल है, पर्स नॉर्मल है, टेम्परेचर है दादाजी को। तो अभी जो है दादाजी एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह हैं, वो पेशेंट बिल्कुल नहीं है और हम देखते हैं आगे क्या किस तरीके से बिहेव करते हैं, किस तरीके से प्रोग्रेस होती है। मेडिकल साइंस के लिए चुनौती बहुत बड़ी चुनौती, मैं चुनौती नहीं बोलूँगा, बहुत बड़ी चुनौती है। हमें भी इस चुनौती का सामना करना है, हमें भी देखना है कि जो कैलोरीज जो एक आदमी को चाहिए इनटेक वो कहाँ से आता है। दादाजी भाई आदमी चलता है 25 किलोमीटर चल रहा है रोज, उसके बाद भी भोजन ग्रहण नहीं कर रहा है, सिर्फ नर्मदा जल पर पूरा जीवित है वो। तो ये भी एक शोध का विषय, बड़ी हमारी भी जागरूकता है कि इस चीज़ को। और खबरों में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।